हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सबके सब पर। मास्किंग का ये ट्यूटोरियल हमारा कंटिन्यूअस चल रहा है और आज का ट्यूटोरियल है क्विक मास्क। क्विक मास्क में हम लोग देखेंगे कि इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, क्विक मास्क क्यों यूज़ करते हैं सिलेक्शन में इसका फ़ायदा क्या होता है। इन सभी चीज़ों को हम लोग आज कंपाइल करके देखेंगे कि कैसे इसका यूज़ करते हैं। इससे पहले कि हम लोग और आगे बढ़ें, फ्रेंड्स आप सभी से मैंने पहले भी कहा है कि अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग कम्प्लीट देखना है, कम्प्लीट सीखना है, तो मेरे चैनल सबके सबको सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स इस बटन पे क्लिक कर लें, सब्सक्राइब बटन पे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा जो भी आने वाला ट्यूटोरियल हो या जो भी ट्यूटोरियल मैं अपलोड करूं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए सीखते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, ये आज का ट्यूटोरियल है फोटोशॉप में क्विक मास्क। क्विक मास्क का क्या क्या यूज़ होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने कि यहाँ पर एक इमेज आप सभी के लिए ओपन किया है, ठीक है। इस इमेज में अगर मैं सिलेक्शन करना चाहूँ, यानी कि इसका मैं कट करके अलग करना चाहूँ, सिर्फ इस इमेज को कट करना चाहूँ, तो क्या करेंगे आप लोग, क्या क्या करेंगे? पेन टूल का यूज़ कर सकते हैं आप, लासो टूल, पॉलीगोनल, मैग्नेटिक, इन सभी टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वैन टूल, इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं, पेन टूल का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो कई ऑप्शन है इसका सिलेक्शन बनाने का, लेकिन इससे बेहतर सिलेक्शन भी बनाने का कुछ ऑप्शन होता है। अगर सपोज़ मैंने मैजिक वैन टूल से सिलेक्शन बना लिया, इसका सिलेक्शन मैंने मैजिक वैन टूल से बना लिया, ओके। एक बार सिलेक्शन बन जाने के बाद आप देख रहे हैं कि ये सिलेक्शन बाहर बाहर निकल रहा है। फ्रेंड्स, इस तरह का जब सिलेक्शन बाहर होता है, इससे हमें कैसे और भी बेहतर सॉफ्ट सिलेक्शन बनाना चाहिए, उसके लिए हम लोग क्विक सिलेक्शन, क्विक मास्क का यूज़ कर सकते हैं। क्विक मास्क होता है, यहाँ पे इसका बटन है। आप जब टूल्स वाले इस पार्ट में आप आएंगे, तो सबसे नीचे जो हाँ कलर होता है, फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर, इसके जस्ट नीचे एक टूल होता है जिसे कहते हैं क्विक मास्क मोड। इसका शॉर्टकट होता है क्यू। अगर आप क्यू प्रेस करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। जैसे मैं जैसे ही क्लिक किया ही, तो यानी ये एरिया मेरा सिलेक्टेड था। अब जहाँ जहाँ पे मेरा बाहर का एरिया निकल रहा है उसे मैं हटा दूंगा। ध्यान रहे कि जैसे ही मैं क्विक मास्क टूल पे क्लिक किया, यहाँ पे ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन आ गया। जैसे इसको मैं एक्टिव से हटाऊंगा और फिर से आप देखिए मेरा ऑलरेडी जो कलर सिलेक्टेड था वही कलर आ गया। अगर मैं फिर से इसको सिलेक्ट करूंगा तो ब्लैक और वाइट आ जाएगा। ब्लैक का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन हम लोग मास्किंग में कंटिन्यूअस पढ़ते आ रहे हैं कि ब्लैक का मतलब होता है कि किसी चीज़ को हाइड करना है तो आप ब्लैक फिल कर दें, किसी चीज़ को रिवील करना है तो वहाँ पर वाइट फिल कर दें। फिल करने के लिए ब्रश टूल का यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पर ब्रश टूल का यूज़ करना था मुझे, ठीक है। अब ब्रश टूल किस लिए यूज़ कर सकते हैं? अगर मुझे इसको और भी डिलीट करना है तो इसे मैं ब्लैक कर रखूंगा तो क्या होगा, और भी ये फिल होगा। लेकिन अगर मुझे इसे डिलीट करना है, इसे और हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको चेंज करके वाइट वाला मोड ऊपर कर दूंगा। उसके बाद अगर जूम करके मैं देखूँ तो इस एरिया को आसानी से कैसे हम लोग हटा सकते हैं। ब्रश टूल लेंगे, वाइट ऊपर रखेंगे, इस एरिया को मैं हटा दूंगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये मेरा सिलेक्शन जो अभी दूर तक बन रहा था, ये सिलेक्शन मेरा ऐसे बनेगा, अब सिलेक्शन मेरा ऐसा बनेगा। इसका फ़ायदा यही होता है कि ये अगर एरिया आपका निकल रहा है बाहर, तो आप इसे ब्रश टूल से इस तरीके से सिलेक्शन करके आप हटा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये एरिया बाहर निकल रहा था, आप और भी जूम करके देखेंगे तो सिलेक्शन यहाँ पे ठीक से नहीं हुआ है, यानी ये इस तरीके से राउंड बन गया है। तो अगर इसको भी आप हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, नॉर्मली आप ब्रश टूल सिलेक्ट करेंगे, ऊपर में ये वाइट रखेंगे और ब्रश टूल को छोटा करेंगे, उसके बाद आसानी से इसे आप इरेज कर देंगे। तो ये सिलेक्शन मेरा जहाँ जहाँ तक जा रहा है, मेरा सिलेक्शन वहीं तक बन रहा है। ये अगर आप और भी छोटा करके करेंगे, ये और भी सॉफ्ट इस तरीके से सिलेक्शन मेरा बनेगा। तो फ्रेंड्स, एक बार सिलेक्शन अगर आपने बना लिया, उसी सिलेक्शन को और भी स्मूथ करना है, तो हम लोग ये क्विक मास्क मोड का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसका शॉर्टकट जो क्यू होता है उसका आप बार बार यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब चलो, ये मैंने सिलेक्शन इस पर कर लिया, नॉर्मली मैं दिखाने के लिए कर रहा था आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एरिया मेरा अच्छे से सिलेक्ट नहीं हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, ब्रश टूल ले करके और इसमें ब्लैक ऊपर कर लेंगे और यहाँ पे अच्छे से इसको और भी फिल कर लेंगे अपने ब्रश के साइज़ को बढ़ा करके। अब जैसे ये एरिया अच्छे से सिलेक्ट नहीं हुआ था, तो इसे और अच्छे से सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से बहुत ही स्मूथ तरीके से हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसे ये हमारा सिलेक्ट हो गया पूरा यहाँ पे हेयर। अब यहाँ पे भी अच्छे से सिलेक्ट नहीं हुआ था, ये भी मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा और अच्छे से सिलेक्ट हो जाए। अब जैसे ही मैं क्विक मास्क मोड से इससे मैं हटूंगा, ये सिलेक्शन दिखने लग जाएगा। अब देखिए, जैसे मैंने क्लिक किया इस पर, ये सिलेक्शन मेरा फिर से आ गया।
एक चीज़ और ध्यान रहे कि ये जो सिलेक्शन बना हुआ है फ्रेंड्स, ये सिलेक्शन मेरा आउटसाइड का बना हुआ है, इस इमेज के आउटसाइड का सिलेक्शन बना हुआ है। अगर मुझे बाहर का एरिया डिलीट करना है तब तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे इस एरिया को रखना है, कॉपी करना है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई करके इन्वर्स कर देंगे। अब बाहर का ये जो सिलेक्शन देख रहा था ये हट गया, अब मुझे सिर्फ इसको रखना है, तो कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर ले, कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया, ये इमेज मेरी तैयार हो गई। अब देखिए यहाँ से मैंने सिलेक्शन कर लिया इसका। इस पे आप रिफाइन एज का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को रिफाइन एज नहीं पता है, मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल अपलोड कर दिया अपने चैनल पे, रिफाइन एज से रिलेटेड कई ट्यूटोरियल्स हैं, आप उसको देख लें, उसके बाद अगर मास्किंग देखेंगे तो शायद आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि रिफाइन एज का यहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक बार सिलेक्शन हो गया उसके बाद हम लोग रिफाइन एज यूज़ करेंगे, ताकि ये जो स्मूथनेस नहीं हुआ है ये इन चीज़ों को हटाने के लिए हम लोग रिफाइन एज का यूज़ कर सकते हैं। तो ये आसान मोड था कि कैसे हम लोग किसी चीज़ का सिलेक्शन कर सकते। उसी तरीके से इसी एक ट्रिक और मैं यहाँ पर बता दूँ आप सभी को। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ये इमेज है, ठीक है, और इस इमेज का मुझे मैंने मैजिक वेंटू से अभी सिलेक्शन किया था। अब मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली सिर्फ क्विक मास्क मोड से सिलेक्शन करना चाहूँ, तो इसको सिलेक्ट किया, ब्रश टूल लेंगे, ऊपर ब्लैक रखेंगे और उसके बाद ब्रश टूल को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, और एक ही बार मैं चाहता हूँ कि अगर सिलेक्शन करना चाहूँ तो सिर्फ यहीं से सिलेक्शन आप आसानी से कर सकते हैं। इस तरीके से आप नॉर्मली सिलेक्शन कर लें बाहर बाहर, जैसे आप ब्रश पेंट टूल में, पेंट टूल आप लोगों ने सीखा होगा तो पेंट टूल में तो पता ही है कि कैसे ब्रश यूज़ करते हैं, आप फोटोशॉप भी यूज़ कर रहे हैं, इसमें भी पता है कि आपको ब्रश कैसे यूज़ करना है। तो नॉर्मली मैं आउटसाइड का सिलेक्शन बना रहा हूँ इससे, ठीक है, ये सिलेक्शन बनाना आसान है, आसानी से आप बना सकते हैं इसका सिलेक्शन। बाहर बाहर मैं यूज़ कर रहा हूँ, और अंदर का जब रह जाएगा उस एरिया को मैं ब्रश टूल को बड़ा करके मैं एक बार में सिलेक्शन कर लेंगे। अब जैसे मैं बाहर बाहर इस तरीके से सिलेक्शन कर लिया, ओके, बाहर, और अंदर का एरिया मैं ब्रश टूल को बड़ा करके यूज़ करूँगा। इस तरीके से आप यूज़ करें, और अभी ब्लैक ध्यान रहे कि ब्लैक ऊपर रहना चाहिए, यहाँ पे फोरग्राउंड में ब्लैक कलर रहना चाहिए। अब मैंने आउटसाइड बना लिया इसका, अब मैं इसी ब्रश को बड़ा कर लूँगा, आराम से बड़ा कर लिया, अब एक बार में यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे, आराम से ये फिल होता चला जाएगा, ये सिलेक्शन हो रहा है। एक्चुअली ये जो आपको ये रेड कलर दिख रहा है ये रेड कलर नहीं है, बल्कि ये एक सिलेक्शन बता रहा है कि आपने इस एरिया का सिलेक्शन कर लिया इस इमेज को कट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं ऊपर आता हूँ, इस तरीके से मैंने इसको जल्दी जल्दी सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि जिस एरिया में, जहाँ पे लग रहा है कि ज़्यादा सिलेक्शन ऊपर आ गया, आप इमेज को थोड़ा जूम करके देखेंगे, जूम करके देखिए और भी जूम करिए, ऐसा लग रहा है कि ये एरिया बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया, तो मैं ब्रश टूल पे जाऊँगा और साइज़ छोटा करूँगा ब्रश का, ब्रश की साइज़ काफ़ी बड़ी, छोटी कर लिया मैंने। छोटी कर लेने के बाद अब क्या करना है कि ये वाइट कलर को ऊपर करेंगे। वाइट कलर ऊपर करने से फ़ायदा क्या होगा कि जो एरिया एक्स्ट्रा हो गया था उसे मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। इस तरीके से आप एक बार हटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर पेन टूल और क्विक सिलेक्शन टूल से आपका बहुत ज़्यादा हैबिट नहीं, अभी आप बिगनर हैं, तो इस कंडीशन में आप इसे यूज़ कर लें, बहुत ही बेहतर टूल है, इसका यूज़ करना आसान है। आप इस तरीके से ध्यान रहे कि वाइट और ब्लैक कलर का ध्यान रहे, कि यहाँ पे फोरग्राउंड में अगर वाइट है तो इसका मतलब कि जो मास्क किया हुआ, अब देखिए यहाँ पे मास्क ठीक से नहीं हुआ था, मैं फिर से इसको ब्लैक ऊपर करूँगा, इसका शॉर्टकट होता है एक्स, ये भी ध्यान रहे, शॉर्टकट जितना यूज़ करेंगे उतना बेहतर होगा। अब ये कर दिया, अब फिर से मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि ये बाहर ज़्यादा आ गया, मैं ब्रश टूल को छोटा करके इस एरिया को मैं थोड़ा सा डिलीट करना पड़ेगा मुझे, तो मैं इस तरीके से डिलीट कर दिया इसे, ओके, ये सिलेक्शन मेरा बहुत ही स्मूथ बनेगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, आप ऊपर आके देखेंगे कि यहाँ पे अच्छे से नहीं हुआ था, तो ब्लैक लेकर आएंगे और अच्छे से यहाँ पे राउंड करेंगे, अच्छे से ऐसे। अब फिर से मैं वाइट लेकर आऊँगा, यहाँ पे लग रहा है कि ज़्यादा हो गया, ये हटा देंगे ऐसे। तो इस तरीके से ब्लैक और वाइट, जैसे मास्किंग में एक्चुअली मैंने शुरू से भी कहा है कि ब्लैक और वाइट का सबसे ज़्यादा कॉम्बिनेशन, इसमें ध्यान रहे कि ब्लैक कलर जब भी मैं यूज़ करूँ, इसका मतलब यह है कि मुझे उस एरिया को, अब देखिए ये बाहर निकला हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, वाइट ऊपर लाऊँगा। वाइट लाने का मतलब इसे मुझे डिलीट करना है इससे, और अगर मुझे किसी चीज़ को हाइड करना है इस तरीके से, तो आप देख, जैसे ये मेरा एरिया है, इसको ये ज़्यादा ऊपर आ गया था तो मैंने इसे हटा दिया। इस तरीके से बहुत ही स्मूथ तरीके से आप काम करेंगे। अब इमेज को मैं छोटा करता हूँ, नॉर्मली मैं इमेज को छोटा करूँ, एक बार मैंने सिलेक्शन कर लिया। अब सिलेक्शन कर लेने के बाद मुझे करना क्या है, सिर्फ आप इसे डीएक्टिव करें, इस मोड को डीएक्टिव करें, ये सिलेक्शन में बदल जाएगा।
अब ये सिलेक्शन में बदल गया। अब मैं सिर्फ डिलीट प्रेस करूंगा, डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल डी से डिसलेक्ट कर लें, इसे एक्टिव करें और इसे डिलीट कर दें अपने कीबोर्ड से, और उसके बाद आप देखिए कि क्या हो गया। देखिए इस तरीके से आप किसी भी इमेज को पीएनजी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये कार है, हमने एक कार यहाँ पे निकाला है। इस तरह का आप कोई भी एग्जांपल ले आएँ, कोई भी एक प्रोडक्ट ले आएँ और उसको आप कट करने की कोशिश करें। अगर टफ इमेज कुछ आपको ज़्यादा मुश्किल लग रहा है तो आप नॉर्मल इस तरह का कोई कार का इमेज, कोई बाइक का इमेज आप ले लें और उसको कट करने की कोशिश करें। इससे आपको ज़्यादा एक्टिव, ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएगा। जितना बेहतर प्रैक्टिकल होगा उतना अच्छा सिलेक्शन करना आप सीख जाएंगे। तो ये रहा आपका क्विक मास्क कैसे हम लोग करते हैं, ये आज हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट सिर्फ एक और मास्किंग रह गया, वो वेक्टर मास्क हम लोग कैसे करते हैं। वेक्टर मास्क दूसरे ट्यूटोरियल में सीख लेंगे। तो ये छह तरह का जो मास्किंग हमने बताया था कि हम लोग फोटोशॉप में सिक्स तरह से मास्किंग करते हैं, वो सभी के सभी सिक्स मास्किंग मैंने क्लियर, सिर्फ वेक्टर मास्क रह गया जिसे क्लियर करना बाकी रह गया। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं वेक्टर मास्क यूज़ करूँगा, उसके बाद फिर दूसरे ट्यूटोरियल को हम लोग देखते रहेंगे। फ्रेंड्स अभी तक मैं फिर से करना चाहूँगा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग का कंप्लीट पैकेज मैं अपने सबके सब चैनल पे लाने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी बिगनर लेवल पे भी अगर आप सीख रहे हैं तब भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं। तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा हो फ्रेंड्स, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स तक, ज़रूर हमारे वीडियोज़ को वहाँ तक ज़रूर शेयर करके पहुँचा दें ताकि उन सबको भी इसका फ़ायदा मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।